नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ स्प्रेड कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। ये कॉलर नेक डिज़ाइन आप अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, तो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहेंगी। यहाँ कुर्ती का मैंने ऊपर वाला पोर्शन कट कर रखा है। अब यहाँ पहले हम कॉलर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, यहाँ मेरी शोल्डर लाइन है 7 इंचेस। इसमें 3 इंचेस पे हम कॉलर नेक के लिए मार्क करेंगे। विड्थ लेनी है 3 इंचेस और टोटल लेंथ लेनी है 7 इंचेस। ये मेरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग नेक की विड्थ और लेंथ लेनी है। अब इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए एक परफेक्ट वी शेप देना है। नीचे की तरफ मैं प्लेकेट बनाऊंगी, तो उसके लिए भी हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ब्लाउज में यहाँ फुल एंड तक हमें कट करना होता है। यहाँ कुर्ती में मैं 6.5 तक ही कट करूंगी। अब पहले हम यहाँ नेक लाइन की कटिंग करेंगे। यहाँ सेंटर में से भी हमें एक कट लगाना है। इस तरह कट लगाने के बाद यहाँ मैं पोटली बटन्स यूज़ करूँगी। पोटली बटन्स का फेस इस तरह अंदर की साइड रखना है। अब यहाँ इसे हम प्लेकेट पर फिक्स करते जाएंगे। इस तरह पोटली बटन्स को स्टिच करने से पोटली बटन्स पूरे अंदर की साइड कवर हो जाएंगे। पोटली बटन्स को एक स्टिच करने के बाद थोड़ा सा गैप देके एक और स्टिच कर लें, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए, पीछे की तरफ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है तो उसे कट कर लें। इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से आपकी नेक लाइन में फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ये पोटली बटन्स अटैच हो चुके हैं। अब नेक लाइन को कवर करने के लिए यहाँ मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। पहले इस नेक लाइन पर आप बिल्कुल सेंटर में हाफ पे एक मार्क कर लें। देखिए, ये टोटल लेंथ मैंने ली थी 7 इंचेस, तो यहाँ 3.5 पे इस तरह एक कट लगाना है, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ हम कॉलर अटैच करेंगे। अब इस नेक लाइन को हमें इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सेट करना है और इस नेक लाइन को स्टिच करना है। ऊपर की तरफ जो कॉलर के लिए हमने कट लगाया था, उसके नीचे की तरफ इस तरह से हम वी प्लेकेट के शेप में स्टिच करेंगे। इस तरह पूरी प्लेकेट एरिया पर स्टिच करना है। प्लेकेट की दूसरी साइड भी इस तरह हम स्टिच करेंगे। यहाँ नेक लाइन पर हमें हाफ तक स्टिच करना है। अब यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो सेंटर में, उसे हम कट कर देंगे। प्लेकेट पर भी हमें एंड तक कट लगाना है। अब यहाँ पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें इस तरह 1 इंच का गैप देके और इस स्ट्रिप की कटिंग करनी है। अब इस स्ट्रिप को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसे पहले अच्छे से आयरन कर लें। आयरन करने के बाद अब जो ये ऊपर वाला कॉलर का पार्ट खुला हुआ है, वहाँ पर हम पहले एक रफ स्टिच करेंगे और इसी स्टिच को कंटिन्यू रख के नीचे वी प्लेकेट पर स्टिच करेंगे।
अब प्लेकेट के लिए मैंने ये डबल फोल्ड स्ट्रिप ली है। अगर आपको बंद प्लेकेट चाहिए तो ये स्ट्रिप दोनों साइड प्लेकेट पर स्टिच होगी, मगर यहाँ मैं ओपन प्लेकेट रखूँगी इसलिए मैं इस स्ट्रिप को एक साइड से ही स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से किनारी पर स्टिच करना है। अब यहाँ प्लेकेट की दूसरी साइड हम ये डबल फोल्ड स्ट्रिप को एक साथ स्टिच करते जाएंगे। इस तरह ये प्लेकेट भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ भी जो ओपन साइड है उसे बंद करना है। इस तरह ये हमारा हाफ पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। बैक पोर्शन में किसी भी तरह का नेक लाइन नहीं कट करना, उसे हमें सेम एज इट इज रखना है। शोल्डर लाइन स्टिच होने के बाद अब नेक लाइन को इस तरह डबल फोल्ड करके यहां से हम कॉलर के लिए मेजर लेंगे। जहां तक हमने कट लगाया है वहां से इस तरह मेजर टेप को घुमाते हुए कॉलर की मेजर लेंगे। यहां देखिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेके ये कॉलर मेरी मेजरमेंट में 7 इंचेस आ रहा है, जिसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। पहले यहां से स्ट्रेट लाइन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लें। अब यहाँ पर हम इस तरह 7 इंच के कॉलर के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे और कॉलर की लेंथ मैंने ली है 3¼ इंच। इन मार्क्स को मिलाते हुए पहले इस तरह बॉक्स रेडी करें। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मैंने हल्की सी स्लांटिंग ली है और नीचे की तरफ इस तरह 1/2 इंच पे गोलाई देनी है। ऊपर की तरफ भी हम इस तरह हल्की सी गोलाई देके और कॉलर का शेप देंगे। ये स्प्रेड कॉलर है इसलिए जो स्लांटिंग में मैंने लाइन लगाई है कॉलर का शेप देने के लिए वो सिर्फ मैंने 1 इंच तक ही स्लांट लिया है। देखिए इस तरह कॉलर की कटिंग हो चुकी है। सेम एक और कटिंग कर लें। यहाँ दोनों साइड करीब 1/4 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह कॉलर के लिए स्टिच करेंगे। यहाँ से डबल स्टिच करके ये कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लें। दोनों कॉर्नर्स पे हमें इस तरह कट लगाना है। अब कॉलर को हम सीधा कर लेंगे। कॉलर रेडी हो चुका है। अब कुर्ती की नेक लाइन को हमें इस तरह से रॉन्ग साइड में रखना है और जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल लूज हाथों से हमें पूरे कॉलर को अटैच करना है। कॉलर और कुर्ती के कपड़े को बिल्कुल भी खींचे नहीं। देखिए इस तरह अच्छे से घुमाते हुए नेक लाइन के दूसरी एंड तक हम कॉलर को फिक्स कर देंगे। अब इसे घुमाते हुए कॉलर को हम बाहर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और किनारी पर स्टिच करेंगे। फैशन अपडेट रहने के लिए और नए नए कॉलर नेक डिज़ाइन और कुर्ती नेक डिज़ाइंस के इजी स्टेप्स को जानने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें तो आपको नए नए टिप्स और
ट्रिक्स मैं देती रहूँगी। देखिए इस तरह ये हमारा स्प्रेड कॉलर भी रेडी होने को है। यहाँ पूरे में हम इस तरह से किनारी पर स्टिच करके और इस कॉलर को कंप्लीट करेंगे। ये स्प्रेड कॉलर नेक डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।